कोरबा दिनांक 5 सितंबर बालको कोरबा स्थित रिसदा रोड में तकरीबन 11 बजे सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें एक तेज हाईवा वाहन क्रमांक CG12S5736 एक महिला को पीछे से ठोकर मार दी, जिसकी वजह से बुजुर्ग महिला की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जिसको लेकर मृतक के परिजनों तथा स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दी तथा मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। कोरबा से राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। समस्त स्टाफ कोतवाली कोरबा गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत TI विवेक शर्मा, कोतवाली थाना कोरबा। कोरबा महाराजा महाबली के स्वागत के पर्व ओणम जिले में धूमधाम से मनाया गया। शहरी क्षेत्र के अलावा उपनगरी क्षेत्र में भी इस पर्व की धूम रही। गेवरा के वर्कर क्लब में केरला समाजम के द्वारा पर्व को मनाए जाने पर काफी उत्साह देखने को मिला। परंपरागत रूप से समाज के लोगों ने फूलों की रंगोली तैयार की। इस पर्व में व्यंजनों का काफी महत्व है, लिहाजा समाज के लोगों ने स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। सुबह से पर्व को लेकर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके बाद दोपहर समाज के लोगों ने भोजन किया। इसके बाद शाम को कार्यक्रम की असली छटा देखने को मिली। आयोजन समिति के लोगों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। कोरबा से राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। विकास खंड शिक्षा अधिकारी संदीप पांडे की ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। विकास खंड करतला जिला कोरबा। अम्बागढ़ चौकी ब्लॉक के ग्राम पांगरी में एक सरकारी स्कूल है। उस स्कूल का नाम स्वर्गीय श्री राम लक्ष्मण साहू शासकीय प्राथमिक शाला है। यह आतर गांव स्कूल के अंतर्गत आता है। इस स्कूल को कुल 35 बालक एवं बालिकाएं हैं और यहां दो शिक्षक उन्हें पढ़ाते हैं। इस स्कूल के बच्चे इतने होनहार और शिक्षा में आगे हैं कि प्राइवेट स्कूल के 12वीं के बच्चे भी पीछे हो जाएंगे। जिस तरह से हर सवालों का सटीक जवाब हमें मिला तो हम दंग रह गए। इस प्राथमिक शाला की पहली क्लास के बच्चे ब्लैक बोर्ड में लिखी चीजों को रफ्तार से पढ़ रहे थे, जबकि स्कूल खुले से 2 माह ही हुए हैं। 65, 64, 63, 62, 64, 59, 58, 58। और बच्चों से आज मुलाकात की है, खासकर शिक्षा पद्धति जो अभी शासन चला रही है उसके विपरीत चला, और बच्चों को ये देखा गया है। पहाड़ा उल्टा पूरा 95 का पढ़ा गया है, सीधा पढ़ा गया है। और पिछले कुछ दिन पहले देखा गया था कि खैरागढ़ ब्लॉक के पांडादा या कहीं के स्कूल में कलेक्टर साहब गए थे, वहाँ तो मिडिल स्कूल के बच्चे ने 95 का पहाड़ा बताया था, सुनाया था, तो उसमें कलेक्टर साहब खुश हुए थे। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि प्राथमिक शाला स्कूल के बच्चे पहाड़ा सीधा भी बता रहे 95 का और उल्टा भी सुना रहे हैं। ये बच्चों ने कहाँ से सीखा? ये इनको हमने सिखाया सर, कि पहाड़ा याद करने में दिक्कत आती थी ना, तो हमने सोचा इस टाइप का कराया जाए। तो उनको कट्टम याद करना बोलते हैं, माने 95 8 एक ही बार में बता देंगे, पहाड़ा पढ़ना नहीं पड़ेगा, उससे लाभ हुआ है। और हमने ये देखा कि हिंदी की पुस्तकें उनके सामने रखी और पुस्तकों को हमने उल्टा करके उनसे पढ़वाया, तो उन्होंने उसको भी पूरा रटा रुटा पूरा सुना दिया। ये चलो गणित का हो गया, अंकों का, ये अपना इनको का, ये कहाँ से सीखे बच्चे? ये मैंने क्या किया हूँ, अलग अलग मात्राओं के लिए अलग अलग रंगीन चाक का उपयोग करके उनको समझाया कि इस कलर का चाक इस माता के लिए लगाना है। अम्बागढ़ चौकी से हार्दिक छाबड़ा की रिपोर्ट। जिला कोरबा ग्राम हुकरा माँ केशगाई सेवा संस्थान की ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। केशगाई सेवा संस्थान शंकर लाल रजक। अम्बागढ़ चौकी नगर में शिक्षक दिवस को शिक्षा कर्मियों द्वारा एक सकारात्मक और सृजनात्मक पहल प्रदान किया गया। इस अभियान में स्वच्छता मिशन और चिकित्सालयों में मरीजों को फल वितरण जैसे सामाजिक कार्य को जोड़कर ब्लॉक के शिक्षा कर्मियों द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। अम्बागढ़ चौकी से हार्दिक छाबड़ा की राहुल गुप्ता की ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला कोरबा CNI न्यूज कोरबा ब्यूरो। अम्बागढ़ 5 दिनों में 2 ग्रामीणों की हत्या। कुछ महीने पहले पुलिस माओवादी मुठभेड़ में 3 माओवादी के मारे जाने के बाद बौखलाहट में औंधी इलाके में माओवादियों द्वारा लोगों में दहशत फैलाने, लोगों के साथ खूनी खेल खेलना आरंभ कर दिया। ज्ञात हो कि 4 दिन पहले माओवादियों ने राजकट्टा निवासी पवन देहारी को पुलिस मुखबिरी के आरोप में बंग डोगरी नाला के पास गोली मारकर हत्या कर दी थी। बौखलाए माओवादियों द्वारा पुलिस मुखबिर के संदेह के घेरे में
लेकर चार लोगों को अपने साथ दो दिन पहले से उठा लिया था एवं एक व्यक्ति बाजीराव नरेटी की माओवादियों ने कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक सहायक आरक्षक का रिश्तेदार था। अंबागढ़ चौकी से हार्दिक छाबड़ा की रिपोर्ट। वार्ड क्रमांक 64 उषा महंत की ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। वार्ड पार्षद बाकी मोगरा। मुंगेली मंगलवार जनदर्शन में कलेक्टर एनएन एक्का ने कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभा कक्ष में दर्शन के अंतर्गत लोगों की समस्याएं सुनी तथा आवेदन पत्रों के निराकरण हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए। जनदर्शन में विकास खंड पथरिया के दशरथ गोड़ ने शौचालय की राशि दिलाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर कलेक्टर ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी पथरिया को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। ग्राम बिरगहनी के लक्ष्मी प्रसाद टंडन ने मनरेगा के तहत शौचालय निर्माण कार्य का मजदूरी दिलाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मुंगेली व आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। मुंगेली से प्रदीप मानिकपुरी की रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। एनजीओ दरी समस्त स्टाकोरबा। मुंगेली शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का किया गया सम्मान। गुरुजन पूजनीय है एवं वंदनीय है, हमें गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। भारत के नव निर्माण में शिक्षकों का की अहम भूमिका है। शिक्षक ही समाज का पथ प्रदर्शक है, वे विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देते हैं। उक्त आशय के उद्धार खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री पुन्नू लाल मोहले ने आज जिले के विकास खंड पथरिया के त्रिमूर्ति पब्लिक स्कूल सरगा गाँव में आयोजित मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण के अंतर्गत शिक्षा सम्मान समारोह में व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके पढ़ाए विद्यार्थी वैज्ञानिक इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक भारत के नवनिर्माण में अहम भूमिका निभाए ताकि भारत विश्व गुरु बनने में समर्थ बन सके। मुंगेली से प्रदीप मानिकपुरी की रिपोर्ट। समस्त वार्ड वासियों को एवं जिला वासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छा पार्षद संतोष राय, एल्डरमैन नगर निगम कोरबा। वार्ड क्रमांक 22। सारंगढ़ आज सारंगढ़ विकास परिषद के बैनर में चीनी वस्तुओं का बहिष्कार कर उन्हें जलाया गया। राष्ट्रवाद की मौजूदा लहर में चीन के सामान के बहिष्कार की अपील जगह जगह सुनाई दे रही है। उड़ी में जिस तरह से पाकिस्तान द्वारा हमला किया गया वो सीधा देशभक्ति से जुड़ा है और चीन में पाकिस्तान का समर्थन किया। वहां से ये अभियान उभर कर आया कि हमें चीन समेत उन सब देशों को सबक सिखाना चाहिए जो भारत के हित के खिलाफ नजर आते हैं। इस विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से सारंगढ़ विकास परिषद अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता, नगर पालिका अध्यक्ष सत्येंद्र बरगा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। सारंगढ़ से गोविंद बरेठा की रिपोर्ट। समस्त स्टाफ कोतवाली कोरबा गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत टीआई विवेक शर्मा, कोतवाली थाना कोरबा। रायगढ़ जिले के शिक्षा कर्मियों ने शिक्षक दिवस का बहिष्कार शिक्षक दिवस को मना रहे हैं क्रांति दिवस में मिनी स्टेडियम में दिया धरना। रायगढ़ से गोविंद बरेठा की रिपोर्ट। विकास खंड शिक्षा अधिकारी संदीप पांडे की ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। विकास खंड करतला जिला कोरबा। बलौदा बाजार शिक्षक दिवस सम्मान समारोह में पलारी पहुंचे छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल पलारी में जुटे हैं। जिले भर के शिक्षक सभा को संबोधित कर रहे हैं। गौरीशंकर अग्रवाल शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों का किया सम्मान। बलौदा बाजार से अखिल मानिकपुरी की रिपोर्ट। जिला कोरबा ग्राम हुकरा माँ केशगाई सेवा संस्थान की ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। केशगाई सेवा संस्थान शंकर लाल रजक। रायपुर राजभवन में 45 शिक्षकों को मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने किया सम्मानित। 2016 के लिए चयनित शिक्षकों को किया गया सम्मानित। शिक्षा मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद। रायपुर से सोना दीवान की रिपोर्ट। राहुल गुप्ता की ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला कोरबा CNI न्यूज कोरबा ब्यूरो। जांजगीर चांपा रेलवे स्टेशन चांपा में मालगाड़ी के ऊपर चढ़े मजदूर की करंट के चपेट में आने से हुई मौत। रेलवे स्टेशन चांपा की घटना। चांपा GRP पुलिस कर रही मामले की जांच। जांजगीर चांपा से संजय ठारवानी की रिपोर्ट। वार्ड क्रमांक 64 उषा महंत की ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। वार्ड पार्षद बाकी मोगरा।
जांजगीर। जांजगीर चांपा थाना क्षेत्र में सट्टा खेलने वाले दो सटोरी गिरफ्तार। 7,540 रुपए नगद व 3 मोबाइल जब्त। चांपा पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई। जांजगीर चांपा से संजय ठारवानी की रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। एनजीओ दरी समस्त स्टाफ कोरबा। बस्तर शिक्षक दिवस के अवसर पर संभाग एवं जिला स्तरीय मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण समारोह का आयोजन मंगलवार को बस्तर हाई स्कूल में किया गया। मुख्य अतिथि बस्तर सांसद दिनेश कश्यप जी, अध्यक्ष विधायक संतोष बापना जी, वरिष्ठ अतिथि वन विकास निगम अध्यक्ष श्री श्रीनिवास राव मद्दी जी, महापौर जतिन जायसवाल जी, जबिता मंडावी के अलावा कमिश्नर दिलीप वासनीकर, आनंद मोहन मिश्र जी, अन्य लोग मौजूद थे। बस्तर से बासुकी ठाकुर की रिपोर्ट। समस्त वार्ड वासियों को एवं जिला वासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छा पार्षद संतोष राय, एल्डरमैन नगर निगम कोरबा, वार्ड क्रमांक 22। नारायणपुर डीआईजी पुलिस रतनलाल डांगी ने पुलिस लाइन में वार्षिक निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान कीट निरीक्षण, वाहनों की जांच और जवानों के लिए पुलिस दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें जवानों ने डीआईजी डांगी को अपनी समस्या से अवगत कराया। इसके साथ ही पुलिस कार्यालयों का भी निरीक्षण किया गया। नारायणपुर से गोलू गोदाम की रिपोर्ट। हम है आपका विश्वास, हम हैं आपकी आवाज, हम जरिया हैं आपकी भावनाओं का, हम हैं आपका भरोसा। खबर से लेकर असर तक हम दिखाते हैं बुरी खबर। हम है CNI न्यूज़।